स्वागत है एग्जैक्टली सर, फेड की बैठक के बाद बाजार में एक बड़े स्ट्रांग मूव की बात थी। अगर फेड की बैठक एग्जैक्टली उसी शेप में और उसी अगर आप देखें मैंडेट को दे जो बाजार का मैंडेट है, अगर वही रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट वही थे, लेकिन कल भी अगर आप देखें हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग और आज भी बाजार बहुत स्ट्रांग मूव नहीं क्रिएट कर पाया है। आपको क्या लगता है सर कि अभी हम थोड़ा सा बाजार जो है इतने बड़े मूव के बाद अब रिट्रेसमेंट मोड में रहेगा, साइडवेज रहेगा, या फिर यहाँ से और चलने के चांसेस हैं? लगता क्या है बाजार की थीम क्या रहेगी? डेफिनेटली द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर एटलीस्ट अनदर 5%। द ओनली कंसर्न फॉर इंडियन मार्केट इज द मॉनसून। यू नो यस्टरडे द गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेड दैट द वाटर स्टोरेज इन 91 रिजर्वायर इज 30% लोअर देन व्हाट इट वॉज लास्ट ईयर। Since two times the monsoon failed, India cannot afford to have any failure for the third time. Otherwise, India doesn't have any concern internally and also globally. Things are slowly improving. As you said, Fed has decided not to hike the rate, and all the resource prices across the world are slowly improving. And China is also cutting down the output of for many metals like steel, copper, and even for coal. So all these are quite positive for India. So if God's grace, if monsoon doesn't fail, I think we are set for an amazing time in 2016.